जो कानूनी प्रावधान अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कुछ दिन पहले, जब उसके पहले जो राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि जो हमारे कानून है पानी के बारे में वो नाकाफ़ी हैं और उनको बदलने की ज़रूरत है जो है, सर क्या ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, जो कि आप एक्सपर्ट हैं? कानून होना चाहिए कि सबको वो करना पड़ेगा। तो ये जो हम फ्रेमवर्क लॉ की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि इसकी बारे में पंचवर्षीय योजना में भी चर्चा है कि एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ होगा, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा, राष्ट्रपति जी ने कहा, तो क्योंकि वो अभी उनका लीगल स्टेटस नहीं है, उनके बजट नहीं हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि उस स्तर पर कानून बनने चाहिए। तो वी आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो हम ये कह रहे हैं इस कानून में एक वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, वो सैटेलाइट्स का उपयोग करेगा, ग्राउंड वाटर का उपयोग करेगा, वो साधन भारत सरकार के पास है, टेक्नोलॉजी, डेटा सिस्टम्स, दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि भारत सरकार कंट्रोल करेगी, कंट्रोल तो गांव के स्तर पर होगा, ज़िला परिषद में होगा, लेकिन भारत सरकार राज्यों की मदद करेगी, उनकी मदद करेगी, जो तो पानी की संस्थाएं हैं उनके पास शक्ति हो, इन्फॉर्मेशन की शक्ति, रिसोर्सेज की शक्ति, कानून की शक्ति। पानी को लेकर के जो सरकार की सक्रियता, जो भारत सरकार की सक्रियता, राज्यों की सक्रियता बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो फाल्कन मार्क है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उससे नीचे आया, भारत जल संकट की ओर बढ़ रहा है, सर एक्चुअली में क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति तो गंभीर तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में चिंता तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ प्रगति हो रही है, हमारी जनसंख्या में जवान लोग हैं और पानी की ज़रूरत है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उससे थोड़ा कम पानी है। अब बिजली के लिए तो हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना दिया, तो वो जहाँ इनएफिशिएंसी है उसके बारे में उनके स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क लॉ है ये कहता है कि यही प्रथा पानी के लिए भी होनी चाहिए, वाटर फुटप्रिंट शुड बी मेजर्ड। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर।